सबसे बड़ा फायदा आई थिंक यही है कि हमने ना कोई रिसेप्शन रखा है ना कोई संगीत रखा है। हे एवरीवन, आज मेरे साथ बैठी है ब्राइड टू बी श्वेता त्रिपाठी, इज वेरी प्रिटी एंड ग्लोइंग। ओह स्वीट, थैंक यू। अच्छा श्वेता, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, वी आर रियली हैप्पी, बट हाउ डिड दिस हैपन बिटवीन यू एंड चैतन्य? ये हुआ था कि 5 साल पहले हम एक प्ले की वजह से मिले थे। प्ले का नाम था दी इंटरव्यू, डायरेक्टेड बाय आकर्ष खुराना। तो दो एक्टर्स थे जो अवेलेबल नहीं थे ये शो करने के लिए, तो चैतन्य एंड आई वी बोथ रिप्लेस द एक्टर्स। तो इस चक्कर में हम मिले, रिहर्सल्स की, और फिर जब दिल्ली से वापस बॉम्बे आ रहे थे तब बहुत सारी बातें हुई सुबह के 5 बजे। और वो जब फ्लाइट के एंड तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस person is who I want to be with, मतलब चाहे वो चाहे friend हो या boyfriend हो, तब मैंने इतना डीपली नहीं सोचा था, क्योंकि तब तुरंत था, बस मुझे ये पता था कि ये मुझे इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए। तो फिर हमने फिर और बातें हुई, थैंकफुली उनको भी ऐसा लगा, वरना सिर्फ मुझे लगता तो कुछ होता नहीं। और फिर बातें हुई, फिर पहले फेसबुक पे, फिर व्हाट्सएप पे, और फिर ऑब्वियसली मिलने लगे, और एक बार जब मिलने लगे फिर तो अब 5 साल हो गया। इनफैक्ट हमने प्ले परफॉर्म किया था 15 जून 5 साल पहले। सो पाँच साल कंप्लीट, ओके, ब्यूटीफुल। अच्छा शादी होने वाली है 29th को, कितने कम दिन रह गए। बहुत जरूरी होता है कि आप वो जो कीप काम के वो आते रहते हैं ना, कीप काम एंड गेट मैरिड, कीप काम हो रहा, लेकिन आई थिंक एंड बहुत ही, नो मैटर कितने आप ऑर्गेनाइज्ड हो या फिर कितने आप लोग ने हायर किए हो या कितने फ्रेंड्स आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप ही को करनी पड़ती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मूड मत खराब करो, जो भी है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकती है, हमेशा ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो ए दैट, देन आपका खाना पीना टाइम से आप प्लीज़ स्टार्व मत करो, और अगर कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो फिर किसी से कंसल्ट करके करो। मतलब थैंकफुली गूगल पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑनलाइन है, लेकिन सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। तो इसलिए जैसे मेरी न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो मैं उसे कंसल्ट करके जानवी, तो वो मुझे बताती हैं कि क्या क्या मेरी बॉडी को सूट करता है। एंड माई थिंक इज सिर्फ वेडिंग के लिए नहीं, मैं अपनी लाइफ स्टाइल के लिए वो फॉलो करती हूँ, क्योंकि वेडिंग इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कोई चीज़ें आप सीख रहे हो वेडिंग के लिए, या कुछ कर रहे हो, या फिर वेट लॉस कर रहे हो, या फिर स्किन का कोई रिज्यूम कर रहा हो, तो आई थिंक वो आपको फॉलो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि वेडिंग के बाद अगर वापस वो पिंपल्स या एक्ने आ जाएंगे देन व्हाट्स द फन। अच्छा चैतन्य और आपकी बातचीत तो चली रही होगी इस दौरान कि तुम क्या पहन रहे हो, मैं क्या, कुछ कलर कोऑर्डिनेशन है? तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। तो हम लोग को ये भी बताता कि कौन क्या पहन रहा है, एंड देन एवरीबॉडी इज लाइक, बट यू नो कुछ तो सरप्राइज है ना, तो तुम लोग तो बहुत लेट हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली हाँ मुझे नहीं बताना चाहिए, तो फिर वो थोड़ा लेट हो गया। सो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम इरेज करने की कोशिश करें कि मुझे तो पता ही नहीं है। यू टोल्ड एवरीथिंग कि क्या कलर कौन सा, फोटोज भी भेज दी। तो अभी थोड़े जो चेंजेस हुए, जैसे पूल पार्टी का वो रेबेका दीवान इज डिजाइनिंग, वो चीता को नहीं पता है, ब्राइडल का उसको थोड़ा एरिया है, एंड इवन स्वा जो कि मेहंदी एंड पार्टी के लिए आउटफिट कर रहे हैं वो थोड़ा सा आइडिया है उसको, बट ही इज वेरी शांतनु, लेकिन विच इज वेरी स्मार्ट एंड आई ओनली चोज दैट। So then he was very upset, कह रहे why do you see it? कुछ surprise नहीं होता। हाँ भाई, लेकिन भाई सोशल मीडिया के फायदे भी होते हैं और नुकसान, जैसे आप कह रहे हो कि आई एम श्योर कई लोगों को बहुत नर्वसनेस भी होती है, बट आई थिंक आपको डोंट लेट दैट गेट यू, क्योंकि जिस तरह के अगर जो ट्रोलिंग कहते हैं हम, तो दैट कैन रियली अफेक्ट पीपल, बट ठीक है, जितना आपको जितना करना आप करो, लेकिन डिस्कनेक्टेड रहो, आई थिंक दैट्स द की। बेसिकली शादी आपकी है, मतलब शादी मेरी है, मुझे अच्छा लगता है, एंड आई लव कि वो स्नैप, एंड आई थिंक इंस्टा पे भी हो गया, यू कैन रीपोस्ट स्टोरीज, सो दैट जस्ट मींस मैं अपना फोन छोड़ दूंगी एंड फिर मैं सबकी स्टोरीज सेलेक्ट करूंगी जिसकी मुझे पसंद आएगी और सारी मैं रीपोस्ट करती रहूंगी। अच्छा इतने सारे फंक्शंस होते हैं श्वेता शादी में, तो कैसे कैसे लुक्स कुछ प्लान किए हैं कि मेहंदी में ये सगाई? तो सबसे बड़ा फायदा आई थिंक यही है कि हमने ना कोई रिसेप्शन रखा है ना कोई संगीत रखा है, बिकॉज हाँ मुझे ये था कि ब्राइड हमेशा वो रेडी होने में इतना टाइम लगाती है, तो बेचारी उसको तो ना खाने को मिलता है, ना एंजॉय करने को मिलता है, ना डांस करने को मिलता है, सो आई न्यू कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बॉम्बे में हमारा मेहंदी फंक्शन है विच गोज इनटू अ पार्टी, एंड देन उसके बाद गोवा में द फर्स्ट वेडिंग, फर्स्ट सेरेमनी, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ इज द वेडिंग, जिससे कि हाँ आई गेट रेडी, एंड इवन नैंसी जो हेयर स्टाइल कर रही है वेडिंग के लिए, तो इट्स इन सच अ वे कि वो
थोड़ा मैं ही चेंज करके इट बिकम्स इट लुक लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट हेयर स्टाइल एंड विच इज व्हाट आई वांट टू शो कि आपको पागल होने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी फ्रेंड्स जो कि शादी के लिए बैठेंगे फिर दो घंटा अगेन नेक्स्ट रिसेप्शन या पार्टी के लिए रेडी होते हैं एंड वी एंड चीता बोथ एंड आई हम वी आर ऑल्सो होस्ट्स तो हमें जल्दी से क्विक चेंज करके जाना है मोर देन एनीथिंग आई थिंक इट्स जस्ट सेविंग टाइम एंजॉयिंग दोज मोमेंट्स क्योंकि वरना आप वापस रेडी होने बैठोगे तो नहीं है एंड देर आर स्मार्ट वेज टू डू इट एंड लिटरली वी फिगर इट आउट आई मीन नैन्सी फिगर इट आउट एंड इट वॉज सो क्विक तो वही हेयर स्टाइल चेंज दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ द वेडिंग लुक तो बट देयर इज अ पूल पार्टी एंड देयर इज अ पजामा पार्टी सो संगीत रिसेप्शन नहीं है एंड वी हैव एवरीथिंग चिल्ड आउट हील्स फेंक दो एंड जस्ट एंजॉय और शादी पर क्या श्वेता डांस करने वाली हैं आर यू परफॉर्मिंग हाँ सो मेरा वही था मेहंदी पे सारी परफॉर्मेंसेज माय फ्रेंड्स माय फैमिली मॉम सिस्टर माय टू बी मदर लॉ एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग एंड लाइक श्वेता यू हैव टू परफॉर्म एंड आई एम लाइक यू नो आई वांट टू सिट एंड आई वांट टू एंजॉय व्हाट माय फ्रेंड्स व्हाट माय फैमिली इज डूइंग फॉर मी क्योंकि फिर वो ना एक परफॉर्मेंस का अलग ही प्रेशर होता है प्रेशर एक्चुअली या और मैंने अभी अगेन गॉनकेश में अभी हल्दी का सीक्वेंस था डांसर्स हो गए तो मेरा वहां भी मन भर गया है एक्टर होने का ये फायदा हो जाता है कि आपके सारे डिपार्टमेंट्स काफी टिक मार्क होते रहते हैं एक्चुअली कितनी बार शादियां हो जाती मैं तीन बार हो चुकी हूँ तीन बार मेरी शादी ऑन स्क्रीन हो चुकी मैं एक बार मुस्लिम ब्राइड बन चुकी हूँ एक बार तो हल्दी वल्दी पूरी हो गई है इनफैक्ट आई डिसाइडेड कि मैं फ्लावर ज्वेलरी नहीं पहनूंगी एंड देन गॉनकेश के शूट पे मैंने फ्लावर ज्वेलरी पहनी बिकॉज फॉर अ सीन अच्छा ना ये तो अच्छी लग रही है चेंगड़ा आई एम वेयरिंग इट सो हाँ ये सब एक्टर होने के फायदे अच्छा श्वेता जैसी बबली बबली लड़की है क्या आपको लगता है कि लाइफ चेंजेस आफ्टर मैरिज अगेन आई थिंक लाइफ डेफिनेटली चेंजेस बिकॉज आपका घर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो चेंज हो जाता है आपका बेड से बेडशीट से लेके योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो चेंजेस बट देन अगेन एंड इट्स टोटली ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी मत चेंज करो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स होंगे कॉम्प्रोमाइजेज होंगे हर साइड से लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद हैं तो उनको मत गिव अप कर दो मत आपकी अपनी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप जैसा सिर्फ एक है पूरी दुनिया में तो आई थिंक हस्बैंड को क्या पसंद है मदर लॉ को क्या पसंद है सिस्टर लॉ को क्या पसंद है या कैसे होना चाहिए जैसे या सोसाइटी जो बोलती है वो सब नहीं And if you're happy, हाँ, तो वो भी उतने ही खुश होंगे क्योंकि अगर आप अनहैप्पी होके कुछ करोगे तो सब कुछ एक चेन रिएक्शन बन जाता है सो लाइफस्टाइल चेंजेस बट आइडेंटिटी शुड नॉट वी होप हमेशा ऐसा ही हो लवली टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट थैंक यू कांग्रेचुलेशंस थैंक यू